एंकल स्प्रेन यानी कि टखने की मोच के केस में हमें ये कन्फ्यूजन होता है, हमें इस बात की शंका होती है कि स्प्रेन के साथ साथ हड्डियों में कोई ब्रेक तो नहीं हो गया है, कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं हो गया है। तो एंकल स्प्रेन सीरीज के आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ अहम बिंदुओं पर चर्चा करेंगे जिससे आप ये तय कर सकें, ये आइडेंटिफाई कर सकें कि आपको स्प्रेन के साथ साथ फ्रैक्चर है या नहीं। मैं डॉक्टर तारिक कमाल फिटनेस और हेल्थ की दुनिया में आप सबका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है फिजियो फिटनेस एट होम। दोस्तों, इस टॉपिक पर वीडियो बनाना मैंने इसलिए जरूरी समझा कि ज्यादातर एंकल स्प्रेन के जो पेशेंट होते हैं वो ये सवाल जरूर करते हैं कि कहीं मुझे स्प्रेन के साथ साथ फ्रैक्चर तो नहीं है, हड्डियों का कोई इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, कहीं हड्डियों में कोई ब्रेक तो नहीं हो गया है। और आपका ये सवाल करना और ये शंका पैदा होना कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि जब हमें एंकल स्प्रेन होता है तो शुरू के कुछ दिन में हमारे एंकल की शक्ल थोड़ा डरा देने वाली होती है, थोड़ा भय पैदा कर देने वाली होती है। स्वेलिंग और पेन की वजह से हम थोड़ा सा डरे हुए रहते हैं, क्योंकि एंकल स्प्रेन होने के बाद इनिशियल कुछ दिनों के लिए जो इसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि पेन, स्वेलिंग, मूवमेंट में डिसकम्फर्ट, अनइजीनेस, मोर और लेस यही सिम्टम्स एंकल की हड्डियों के फ्रैक्चर के भी होते हैं। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा एंकल ज्वाइंट के बारे में जान लेते हैं। एंकल ज्वाइंट में बेसिकली तीन स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं, लिगामेंट्स जो ज्वाइंट में इन्वॉल्व बोन को आपस में बांध कर रखते हैं और ज्वाइंट को स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। एंकल ज्वाइंट में तीन बोन्स इन्वॉल्व होती हैं, टेलस, फिबुला और टिबिया, और इन बोन्स पर अटैच्ड होता है मसल्स का लास्ट पार्ट टेंडन, जो ज्वाइंट को मूवमेंट प्रोवाइड करता है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की इंजरी में, यानी कि जब हमारा एंकल ट्विस्ट होता है, तो अगर इन लिगामेंट्स पर सिर्फ इम्पैक्ट आता है, यानी कि जिनकी अभी चर्चा की, जिन लिगामेंट्स की, इन लिगामेंट्स में से कोई एक लिगामेंट इन्वॉल्व होता है तो इसको हम एंकल स्प्रेन की कैटेगरी में रखेंगे। और अगर एंकल इस लेवल तक ट्विस्ट हो जाए, इस हद तक मुड़ जाए कि इस इंजरी का इम्पैक्ट लिगामेंट के साथ साथ इन तीन बोन्स में से किसी एक बोन पर भी आ जाए, कहीं से क्रैक हो जाए ये बोन, हेयर लाइन फ्रैक्चर हो जाए, तो इस इंजरी को हम इस कैटेगरी में रखेंगे कि आपको एंकल स्प्रेन के साथ साथ कहीं ना कहीं फ्रैक्चर भी हो गया है। वैसे तो यह डिटरमाइन करना मुश्किल है कि एंकल की चोट सिर्फ स्प्रेन है या कोई फ्रैक्चर भी है, लेकिन अगर आप इन बिंदुओं पर गौर करते हैं तो यह पता लगा पाएंगे कि आपको स्प्रेन के साथ साथ कोई फ्रैक्चर है या नहीं। इंजरी होते ही फौरन अगर स्वेलिंग आ जाती है और ज्यादा स्वेलिंग होती है तो ये फ्रैक्चर की तरफ इशारा करता है, और अगर स्वेलिंग कम है, ग्रेजुअली आई है, धीरे धीरे आई है, तो ये सिर्फ स्प्रेन हो सकता है। पेन को टच करके लोकेट करने की कोशिश कीजिए, अगर आपको लिगामेंट वाली साइड पे पेन हो रहा है, फोटो में देख सकते हैं, तो आपको ये सिर्फ एंकल स्प्रेन है। अगर आपको पेन इन तीन हड्डियों में से किसी भी एक हड्डी पर लोकेट हो रहा है तो आपको फ्रैक्चर हो सकता है। वैसे तो दोनों ही केसेस में चोटिल एंकल के ऊपर खड़े होने से दर्द होता है, लेकिन अगर आपको फ्रैक्चर हुआ है तो एंकल के ऊपर खड़े होना नामुमकिन होता है और दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है। अगर टखना या उसके नीचे का एरिया सुन रहता है, यानी कि एंकल या फुट में नमनेस रहती है, तो ये भी इशारा करता है फ्रैक्चर की तरफ। चोट के समय एंकल से अगर आपने कोई क्रैकिंग साउंड सुना तो ये फ्रैक्चर हो सकता है। अगर आपका पेन और स्वेलिंग बहुत ही सीवियर है और टाइम के साथ कम नहीं हो रहा है तो ये फ्रैक्चर हो सकता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे और आपके लिए, आपके एंकल स्प्रेन के लिए यूजफुल होंगे। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। कमेंट बॉक्स में और भी आप मुझे सुझाव दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि और भी लोग इससे फायदा उठा सकें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।